ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं भवानी सिंह। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। झुंझुनू के रहने वाले ये तीनों लोग इटली से आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में तीनों रहते हैं उस इलाके को सील कर दिया गया है। भवानी, तो फिर इटली से आए हुए लोगों का मामला? देखिए किशोर, ये 8 मार्च को इटली से आए थे। ये पति पत्नी और बेटी है और उसके बाद में इनके लक्षण कल पाए गए थे। कल झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती कराया गया, सैंपल लिया गया, जयपुर भिजवाया गया और आज अभी कुछ देर पहले हेल्थ स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि कर दी है कि तीनों पॉजिटिव है। जैसे ही ये तय हुआ उसके बाद में उस इलाके के अंदर 1 किलोमीटर जो रेडियस के अंदर पूरा इलाका है जहां पर झुंझुनू में रहते हैं उसको सील कर दिया गया, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और उन सब की अब स्क्रीनिंग होगी। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें अभी इस वक्त झुंझुनू जा रही है। दूसरा एक और बड़ा फैसला किया, राजस्थान में 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ देर पहले मीटिंग में फैसला किया कि अभी की जो परिस्थितियां उसको देखते हुए पूरे स्टेट के अंदर 144 लागू जी, यानी कि पूरे राज्य में लोग बड़ी संख्या में एक साथ नहीं हो सकेंगे, 4 से ज्यादा लोग नहीं एक साथ कहीं देखे जा सकेंगे। जी किशोर बिल्कुल, ये इसीलिए फैसला लिया गया कि जो झुंझुनू में अभी तक जितने जो केस आए थे राजस्थान के अंदर वो सब टूरिस्ट थे या वो जयपुर से जयपुर तक था, क्योंकि झुंझुनू का जैसे ही केस आया, क्योंकि नीचे के लेवल पे जिसका सबसे ज्यादा डर था कि रूरल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर नहीं फैलना चाहिए, ये पहली बार ऐसा मामला आया जिससे अब इस बात की शंका ज्यादा है। इसी को देखते हुए 144 लगाई गई जिससे कि आगे स्प्रेड नहीं हो। जी शुक्रिया भवानी आपका।